हम लोग जो कीबोर्ड रिपेयरिंग करते हैं, बहुत आदमी क्या करते हैं जो कीबोर्ड को फेंक देते हैं, नया कीबोर्ड ले आते हैं। देखिए मेरा दोस्त देखो कितना खराब करके डाला है, एक ही कीबोर्ड है इसमें। देखिए ये कीबोर्ड में ऐसे जो अच्छा कीबोर्ड होता है उसका, देखिए ये वाला मैक्सिमम जो आप देखेंगे तो ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन जो ठीक रहता है। जो ये क्या होता है ना, जो जैसे जैसे मोड़ के हो जैसे हो ये टूट जाता है। इसको यदि हम मैक्सिमम इसको यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा लगभग है 90% जो कीबोर्ड है यहीं से ही कोर से ही ख़राब होता है। तो हम कैसे इजीली सीखेंगे जो कीबोर्ड को कैसे हम इजीली जो सजा सकते हैं। 99% कीबोर्ड अच्छा होता है लेकिन ये वाला ही कीबोर्ड ही खराब होता है। वो मैक्सिमम उड़ जाता है, जो कीबोर्ड को जबरदस्ती जो कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं तो वो उड़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम कीबोर्ड ठीक रहता है। लेकिन मैक्सिमम ये सब जो ब्रांडेड हो जो नॉन ब्रांडेड हो, मैक्सिमम कोड से ही प्रॉब्लम होता है। ब्रांडेड का कोड होता है अच्छा होता है, तो इसको आप हम कैसे सजाएंगे हम आपको बता रहे हैं। ये 100% काम करेगा और एंड तक वीडियो देखिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम आपको बताते हैं कैसे हम सजाएंगे। देखिए ये ऐसे ही कीबोर्ड है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कीबोर्ड, देखिए ये कैसा है। देखिए इसका देखो टूट गया है, तो आदमी सोचेगा वो खराब हो गया है, वो जो फेंक देगा। तो इसलिए इसको सजाते हैं कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पीछे जो कीबोर्ड को हम खोलेंगे, ये देखिए हम खोल के रखे हैं कुछ और कीबोर्ड खोलेंगे। इसको आराम से खोलना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी नहीं, कहाँ पर छोटा जो स्क्रू रहता है और कहाँ पर बड़ा स्क्रू रहता है इसको देखना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम जो कीबोर्ड का जो वायर लगता है वहीं से बगल के पास ही बड़ा ही उसका जो कीबोर्ड का बड़ा जो पर्सन है ना वहीं पर ही लगता है। देखिए कीबोर्ड का सब स्क्रू में खोल दिया हूँ, उसके बाद आराम से इसको आस्ते से टेकेंगे क्योंकि यदि फैन लगा है तो कोई यदि एसी चला है तो अच्छा बात है, तो फैन चला है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैन को अब अच्छे तरह देख लीजिए, वो बंद है कि नहीं। देखिए कि ये भी एक स्क्रू रह गया था, आस्ते कि ना आपको उठाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो जबरदस्ती कुछ नहीं। उतना से देखिए ऐसे, देखिए ये देखो रहता है इसका सर्किट होता है, कीबोर्ड का जो रहता है ये उसका सर्किट रहता है। इसको आराम से आप उठाएंगे देखेंगे, मैं अभी उठाया, अभी देखिए ये वाला, अभी मैं जूम कर दिया हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला जो होता है ये मेन कीबोर्ड का होता है। देखिए इसको आराम से इसको उठा के यहाँ पर रखिए, इसको मैं यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला देखिए ये सब रहता है जो आपका टाइपिंग को आराम से जो स्मूथिंग करता है, तो इससे ही होता है स्मूथ होता है। जो आपको जो कीबोर्ड को आप टाइपिंग करते हैं तो ऊपर तरफ से ऊपर उठा देता है, ये स्पॉन्ज जैसे आपको मैंने स्प्रिंग जैसे काम करता है यही काम करता है। ये खराब होने से आपका कीबोर्ड भी बढ़ जाता है। और ये वाला देखिए ये पोर्शन है जो आपको बता रहे हैं ये ठीक रहता है मैक्सिमम। तो क्या होता है देखिए, ये देखो टूट गया है तो मैक्सिमम वायर यहाँ पर कटिंग हो गया है। आराम से देखिए मैक्सिमम वायर जो कटिंग हो गया है, जो यहाँ पर देखिए मेरा मैक्सिमम वायर जब कटिंग हो गया है ये देखिए, तो इसे कैसे रिपेयरिंग करेंगे। तो इसको ओनली यहाँ पर जो वायर को कट करके यहीं से यदि हम सोल्डरिंग कर लेते हैं तो ये कीबोर्ड आराम से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्विकली इसको कर लेते हैं। तो इसको क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सोल्डरिंग आयरन हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सोल्डरिंग का आयरन का दाम 20-30 रुपये का होता है या 50 रुपये का भी मिल जाता है, अच्छा जो कीबोर्ड जो अच्छा सोल्डरिंग आयरन है 40-50 रुपये में मिल जाता है, तो ये बड़ा चीज़ नहीं है।
जो वो चीज लगने से बहुत कुछ छोटा छोटा बच्चा यदि आपका है तो प्रोजेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ काम आता है। तो ये सब देखिए कीबोर्ड को जो पुशिंग होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको जो कीबोर्ड में जो मैं इसे एंटर कर रहा हूँ, अभी देखिए मैं कीबोर्ड को जैसे पुश कर रहा हूँ, ये टाइप कर रहा हूँ, जो ये जो पुश करता है ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये आपको स्प्रिंग जैसे काम करता है, तो आराम से उठा देता है। एंड तक वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे रिपेयरिंग करना है। तो ये वाला चीज़ बन गया, अभी हम उसको ये वाला चीज़ को सोल्डरिंग कर देंगे वायर को, तो आपका कीबोर्ड तैयार। ये मैक्सिमम ख़राब नहीं होता है, इसमें जो आप देख सकते हैं यदि इनकेस इसमें जो सर्किट में कोई भी कट आ जाता है तो इसको रिपेयर कर सकते हैं। उसको मिलता है कार्बन इंक मिलता है, तो उसको आप डाल के, सोचिए यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर आप कार्बन इंक डाल के भी कर सकते हैं, यदि इसका थोड़ा सा नॉलेज है ये आपको कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मैक्सिमम ख़राब नहीं होता है, ये फिल्म पूरा अच्छा रहता है, ये कीबोर्ड में डाला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हम कैसे करेंगे, चलो हम वेल्डिंग वर्क करते हैं। देखिए मैं सोल्डर ले आयरन जोगाड़ करके ले आया हूँ। इस देखिए इसमें सिंपल आपको देखना पड़ेगा जो गर्म हुआ कि नहीं। ये सोल्डरिंग पेस्ट होता है, इसमें क्या होता है जो सोल्डरिंग किया जाता है इसको ऊपर लगाने से वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और इसको हम रिपेयरिंग करेंगे। पहले तो इसको ये सोल्डरिंग वायर है और ये फ्लॉक्स है, इसको जुगाड़ करना पड़ेगा। ये सोल्डरिंग आयरन है, ये 100 रुपये का है, लेकिन आप जुगाड़ कर सकते हैं 50 रुपये में हो सकते हैं। जितना ये शुरू मैंने पिन पॉइंट होगा अच्छा होगा, जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इसको पहले ये वाला सर्किट यहाँ पर लगा है इसको हम निकाल देते हैं, जो इसको डिस्टर्बेंस हम नहीं करेंगे, इसको लेकर हम बोर्ड में रखेंगे, आराम से वायरिंग करेंगे। चलिए इसको उठा कर ले आइए आराम से, इसको दूरी से थोड़ा दूरी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आराम से देखिए, मैं देखिए यहाँ पे देखिए वायर कटा है, एक सिंगल वायर है, कैसे चलेगा। इसमें मिनिमम 4 वायर रहता है, 4 वायर में काम होता है, तो ये 4 वायर में यदि काम नहीं होगा तो कैसे होगा। देखिए पहले तो ये है आपका कौन सा है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, वाइट है, इस तरह से आपको सजाना है। तो आप मैक्सिमम सोचते हैं ये तो खराब हो गया उसको फेंक देते हैं, लेकिन ये कॉस्टली सोच लीजिए 700-800 रुपये का कीबोर्ड है तो आप कैसे फेंक लेंगे। तो आराम से इसको इजीली, ये खराब नहीं होता है, मैक्सिमम चिप्स बहुत अच्छा रहता है, ये कभी ख़राब नहीं होता है। लेकिन इसको जब आप जब ज्वाइंट करेंगे तो इसको थोड़ा रफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, तो कोई कॉन्टैक्ट यदि मिस हो रहा है तो इसमें ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 100% काम करेगा। देखिए इसका ब्लू है, ब्लू लग गया है, व्हाइट में व्हाइट लगा लेंगे, अभी देखिए ब्लू में ब्लू लग गया, अभी ब्लू में ब्लू लग गया है, अभी देखिए इसमें भी देखिए, जो किसी को कॉन्टैक्ट नहीं लगना चाहिए, जो आप सोच रहे होंगे ये लगा है कॉन्टैक्ट, तो ये किसी को कॉन्टैक्ट न होना नहीं चाहिए, सेपरेट सेपरेट।
ये देखिए आराम से हो गया है ये वाला, इसको सफाई तो कर लिया हम, इसको हम डालेंगे। अभी ये कंप्लीट हो गया है, अभी ये तैयार हो गया हो, देखिए हम ये जो ये वायर कट गया था तो इसको हम यहाँ पर रीसोल्डरिंग कर दिए, जैसे था वैसे कर दिए, तो इस हिसाब से हम इसको हम फिर जो जैसे खोले थे वैसे हम डाल देंगे। तो अभी ये तैयार हो जाएगा जो आपको कीबोर्ड के लिए। चलिए ज्वाइन करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और विजिट आवर वेबसाइट्स। ये साइन ट्यूटोरियल है, ये साइन ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपको टेक्निकली वीडियो सब दिखाएगा साइन ट्यूटोरियल का, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए बन गया है, अभी हम लोग अभी आराम से इसको हटा देते हैं। ये देखिए इसको लाते हैं, ये देखिए इसको बड़ा चीज ये है कीबोर्ड का मेन चीज है, इसको आराम से इसको यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर डाल के बड़ा चीज है यहाँ पर, क्योंकि पहले हम इसको खोल देते हैं। इसको क्या करना, पहले इस वायर को जो यहाँ पर है इसको हम निकाल देते हैं, ये चीज ज्यादा खराब करता है जो कीबोर्ड का जो। इसके बाद इसको जैसे भी हो जिससे है इस हिसाब से आप डाल दीजिए, तो काम करने से थोड़ा सा हिल जाता है, इसको आराम से इसे डालिए। थोड़ा देखिए कहाँ पर वो वैकेंट है, वहीं पर इसको ऊपर की तरह कर दीजिए। आप सोच रहे हैं यहीं पर क्यों था या नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो एक काम कीजिए, इसको पहले करने के पहले आप क्या करना है, इसमें फोटो खींच लीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कहां पर था या कहां पर क्यों वो नहीं था। देखिए ये सब कंप्लीट हो गया, ये स्पेस बार है इसलिए इसका कुछ नहीं है। ये स्पेस बार का है, देखिए इसको जब फिल्म लगाएंगे तो उसको देखें कैसे उल्टा सीधा था, जैसे था। देखिए ये सर्किट जो है ना, जो सर्किट पोजीशन ऐसे रखना है, आराम से जो कि यहाँ पर बैठा था, उसके बाद जो इसका जो रबर था उसका ऊपर, उसको आराम से उसको, क्योंकि ये यूनिक लगना चाहिए, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो आपका काम ठीक नहीं होगा। अभी देखिए मैं अभी सर्किट बोर्ड लगा दिया हूँ, पूरा कंप्लीट दिख रहा है। अभी देखिए अभी इसको देखिए यहाँ पर सर्किट लगाया, तो ये दोनों जो आपका रहता है ये बड़ा नॉट रहता है, उसको लगा मैक्सिमम कीबोर्ड का वही सिस्टम, क्योंकि वही ज़्यादा प्रेशर रहता है कीबोर्ड का जो सर्किट का, तो इसको आराम से इसको पहले इसको टाइट कर देते हैं, ज़्यादा जोर टाइट नहीं करना है, क्योंकि उसका एक प्लास्टिक है, उसका एक लिमिट है।
अभी हम वन बाय वन की डाल के मैंने आपका जो स्क्रू डाल के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं अभी कीबोर्ड रेडी कर चुका हूँ, अभी देखिए मैं अभी इसको लगाऊंगा। मैं लैपटॉप जुगाड़ किया हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देखिए साउंड हो गया, मतलब आ गया। तो ये पर देखिए, तो अब यदि कुछ प्रॉब्लम है दिखाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड में जो रहता है हम लोग का विंडो बटन है, देखिए इस मामले से आ रहा है। तो उसके बाद चेक करना है क्या है जो उसका आपका टाइपिंग ठीक आ रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ओनली आपको चेक करना है, आपको अल्फाबेटिकल टाइप करना है, सब कीबोर्ड आ रहा है कि नहीं देख लेना है। तो बेटर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे करके आपको टाइप करना है। और आपका कीबोर्ड में जो आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ये चीज है। इसको डालने टाइप करने के बाद आपको चीज टाइमिंग पड़ गया, उसके बाद 6 7 8 जो आपको चेकिंग करना है चेकिंग कर लीजिए। देखिए कीबोर्ड पर रेडी है, अभी देखिए 100% कीबोर्ड काम कर रहा है। तो क्यों आप फेंकेंगे, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है यही पर ही खराब होता है। तो ये देखिए सब ठीक है, ओके। मैं लैपटॉप ला के देखा क्यों आपको चेक करने के लिए, फिर देखिए देखो मैं जो भी कर रहा हूँ तो ये कीबोर्ड काम कर रहा है। तो जो फेंका हुआ कीबोर्ड देखिए आपका काम कर रहा है, ओके। प्लीज सब्सक्राइब चैनल, जो आपको बेल आइकन को क्लिक करना है, तो आपको जो मोर टेक्निकल वीडियो इजी वे में कैसे कर सकते हैं हम अगले बार वीडियो में बताएंगे। अगला न्यू प्रोजेक्ट में कैसे कीबोर्ड हो माउस हो सब कुछ वन बाय वन सिखाएंगे। ये फ्री ट्यूटोरियल है, बाद में जो आपको कोर्स करना है तो हमारा इंस्टीट्यूट आइए, तो हम आपको कंप्लीटली कोर्स इसको सिखाएंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।